सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ट्रिक से करें फेक वेबसाइट की पहचान, साइबर ठगी का नहीं होंगे शिकार। देश में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को शिकार बनाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इनके चंगुल में पढ़े लिखे और सेलिब्रिटी तक फंस चुके हैं। कई बार तो लोग साइबर ठगी का शिकार होने के बाद लोगों को इसके बारे में बताने से भी शर्माते हैं, लेकिन इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय कुछ बातों पर ध्यान देकर आप असली और नकली वेबसाइट की पहचान करके उनसे बच सकते हैं। फेक वेबसाइट और असली वेबसाइट देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने पर आप यह चेक कर सकते हैं कि वह वेबसाइट असली है या नकली। इसके लिए आप इन तीन टिप्स को फॉलो जरूर करें। वेबसाइट खोलने से पहले URL की करें जांच। लोगों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले इसे गूगल पर सर्च करते हैं। इसके बाद अलग अलग वेबसाइट नज़र आने पर किसी एक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इन पर क्लिक करने से पहले एड्रेस टाइप की जांच जरूर करें। असली वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS से होती है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउज़र कर रहे हों तो माउस को इस वेबसाइट के ऊपर ले जाकर हाइपरलिंक और URL देख सकते हैं। वेबसाइट के सर्टिफिकेशन की ऐसे करें जांच। कोई वेबसाइट असली है या नकली इसकी जांच करने के लिए सर्टिफिकेशन को ध्यान से देखकर पता लगा सकते हैं। आमतौर पर यह लॉगिन पेज इन होम पेज पर SSL सर्टिफिकेशन के रूप में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और इस पर अजीब विज्ञापन देखने को मिलती है तो आप समझ जाएं कि ये फेक है। आमतौर पर एडल्ट विज्ञापन या फिर लॉटरी के रूप में यह नज़र आती है। इन पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने से बचें। कॉपीराइट से संबंधित जानकारी भी चेक करें। अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हों तो इसकी स्पेलिंग की जांच जरूर करें। दरअसल फेक वेबसाइट बनाने वाले लोग एक स्पेलिंग को आगे पीछे कर देते हैं, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर कॉपीराइट से संबंधित जानकारी भी देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वेबसाइट पर विजिट करने के बाद URL के अंत में कोई लॉक न